हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल इन जोलॉजी क्लासेस तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एसकी हेलमेंट्स के जिनको हम एक नाम भी कहते हैं राउंड वर्म्स तो लास्ट वीडियो हमारा जो था तो उसमें हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे फ्लैटी हेलमेंट्स के तो उसके बाद हमने देखा था पैरास्टिकडोपटेशनस भी तो आज हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एस हेलमेंथस निमेट हेलमेंथस और राउंड वर्म्स इस फाइलम के अंदर तकरीबन ट्वेल्व थाउजेंड टू तो फिफ्टीन थाउजेंड स्पीशीज़ होते हैं जो बहुत फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक वर्म्स भी होते हैं तो अब स्टार्ट करते हैं हम जन करेक्टर्स सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटेट तो ये राउंड वर्म जो होते हैं ये लिव करते हैं जो parasite इन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं एग्रीकल्चर को वेटनरी को और ह्यूमन हेल्थ को भी और कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं जो पाए जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर सी वाटर के अंदर एंड सॉयल के अंदर तो ये इनके हैबिटेट्स है अब नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर जो है वो है बॉडी फॉर्म के बारे में दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स बिकॉज दे है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन तो अगर हम क्रॉस सेक्शन में काटेंगे तो इनकी बॉडी जो होती है वो सर्कुलर होती है इसलिए इनको हम कहते हैं राउंड वर्म्स और ये होते हैं अन इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंट्स नहीं होते हैं स्मूथली प्लान होते हैं ऊपर से तो आप डायग्राम में देख सकते हो तो इनके ऊपर कोई सेगमेंट नहीं होता है इनके जो एंड्स होते हैं ऊपर का एंड और नीचे का एंड जो होता है वो टेबरिंग होते हैं बहुत साइड्स के अंदर द नेक्स्ट करेक्टर इज़ अबाउट बॉडी वॉल तो बॉडी वॉल इनकी जो होती है इसमें कंसस्ट ऑफ इलास्टिक क्यूटिकल होता है उसके नीचे होता है एपिडोरम्स और उसके नीचे जो होता है वो मॉस्कुलर लेयर होता है और ये क्यूटिकल जो होता है ये इलास्टिक होता है और रेजिस्टेंट होता है ये और जो ये रिमूव हो जाता है दैट प्रोसेस कॉल द मोल्टिंग तो जो एपिडर्मस होता है ये इसको हम कहते हैं यहाँ पे सेंसाइशियल तो सेंसाइशियल मतलब होता है कि मास ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लाई होते हैं प्रेजेंट यहाँ ये भी कह सकते हैं कंटिन्यूस लेयर ऑफ़ साइडोप्लाजम विट न्यूक्लाई एंड मसल लेयर तो मसल लेयर जो होता है इसमें लॉन्ग ड मसलस होते हैं द फोर्थ करेक्ट इज अबाउट बॉडी केविटी और सीलोम द बॉडी केविटी इज कॉल दीडोसील और सीडोसीलूम एज इट डेवलोप फ्राम द बलास्टोसील ऑफ़ द इमरियो देखो यहाँ पे फॉल्स सीलोम होता है इसको हम सीडो सिलोम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये केविटी बनती है वो बनती है फ्राम द बलास्टोसील ऑफ द डेवलोपिंग इमरियो से और ये जो होता है यहाँ पे सीलोम जो होता है इट इज़ नॉट लाइनड बाई द पीटोनियम इसलिए इसको हम कहते हैं यहाँ पर इट इज़ ए फॉल्स इज ए फॉल सिलूम इसलिए बोलते हैं सीडो सिलूम -सी और ये फॉल ऑफ जो होता है इट लाइज बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डेस्ट रीजन जो आप डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे आप और जो ये सिलोम जो होता है सीडोसिलूम -सी इसके अंदर फ्लूड प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सीडोसिलोमिक -सी फिलूड या हाइड्रोलिप भी बोलते हैं इसको फिफ्थ कैरेक्टर इज अबाउट ट्रैक्ट देखो इनका डैश ट्रैक्ट जो होता है वो कम्प्लीट होता है तो आगे का हिस्सा होता है एंटीरियर वहाँ माउथ होता है प्रेजेंट हो, उसके बाद वेल डॉप मास्कुलर फेरेक्स होता है इंटस्टाइनस होता है और लॉस्ट पर जो पोस्टर अनस होता है यहाँ किसी में कोल का अपरचर भी होता है प्रेजेंट क्योंकि हमें पता है कि इनकी जो बॉडी प्लान जो होता है इसका वो ट्यू विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है जिनका ट्यूब विद इन ट्यू बॉडी प्लान होगा तो उनका सीधा ही होगा कम्प्लीट डैश ट्रैक्ट होगा वहाँ पर तो यहाँ पे याद रखोगे इनका कम्प्लीट होता है डैश टू ट्रैक्ट तो नेक्स्ट करेक्टर जो है वह स्केल्टन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलरी सिस्टम्स आर एब्सेंट तो ये सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं मगर इनकी बॉडी में जो सीरोसिल फ्लूड होता है वो फंक्शन करता है एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन उसकी वजह से इनकी बॉडी में एक शेप बन जाती है इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर इसकी बॉडी में जो स्केल्टन सिस्टम होता है वो हाइड्रोस्ल्टन होता है तो बाकी रेस्पिरेशन जो होता है वो गैस एक्सचेंज हो जाता है इनकेस आप एरोबिक रेस्पिरेशन वो भी होता है डिफ्यूजन से होता है और इसके बाद जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस होते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है दैट इज़ ए हाइड्रोलिफ आर सीरो फ्लूड वही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कर लेता है यहाँ पर द नेक्स्ट करेक्ट इज अबाउट एक्सक्रिएटरी सिस्टम द एस्क्रिएट सिस्टम कंसिट ऑफ ग्लैंड सेल्स और ऑफ कैनल और बहुत इन शेप और एस्क्रेटरी सिस्टम ऑफ कैनल एंड कॉम्प्लिकेटेड जैंट सेल्स कॉल्ड रि सेल्स is present. Ammonia अमोनिया इज excretory matter. However, हाई are एसकेरस आर excretes आल्सो एक्सक्रीट यूरिया देखो इनके पास होते हैं ग्लाइंट सेल्स या जिनको कहते हैं केनाल्स या दोनों हो सकते हैं प्रेजेंट जिनकी वजह से बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं अगर एसकेरस की बात करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डाइग्राम के अंदर है तो यहाँ पर एक एक्सशेपड स्ट्रक्चर है यहाँ पर जिसके अंदर कैनाल्स होते और जैन सेल्स कॉम्प्लीकेट जैन सेल्स उनका नाम है रेनाटी सेल्स जिसकी वजह से वेस्ट जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं तो एसक्रटी ट्यूब्स होते हैं एसकीडी पोर्स होते हैं वही करते हैं एलिमिनेशन ऑफ एस्क्रिट मटीरियल्स इनका जो वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है इसलिए हम उनको कह सकते हैं यहाँ पे अमोनियोटिलिक मगर जो एस्केरिस होता है ये दिखाता है ड्यूअल एक्सक्रिटरी वेस्ट यानी कि एस्केरिस जो होता है ये एज वेल एज यूरोलिक होता है द नेक्स्ट करेक्टर अबाउट नर्व सिस्टम तो इनका नर्व सिस्टम जो होता है इसमें सरकम फेरेंजियल रिंग होता है यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो तो वहाँ से नर्वस निकलते हैं कुछ ऊपर की तरफ जाते हैं और कुछ नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे गेंगलिया होता है क्यूमिशर्स होते हैं कनेक्टिवज़ होते हैं नर्व कार्डस एंड नर्वस होते हैं प्रेजेंट द नेक्स्ट करेक्टर इज अबाउट सेंस ऑर्गन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ दिस फिल्म तो नंबर वन जो है इसमें पेपलिया होते हैं हैंजर स्ट्रक्चर्स होते हैं या इनको हम कहते हैं कि टेक्टो रिसेप्टर्स जिसकी वजह से परसीव करते हैं सेंस ऑफ टच या और करते हैं ऑन द लिप्स के ऊपर ऑन द साइड्स ऑफ एंटीरियर एंड इन बोथ मेल एंड फीमेल्स एंड इन फ्रंट एंड बिहाइंड द कोलकल एपरचर्स ऑल पेपलीज आर टेक्टाइल इन फंक्शन यानी कि टैक्टाइल होते हैं जो महसूस करते हैं सेंस ऑफ टच को तो यहाँ पर डायग्राम के आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर टैक्टो रिसेप्टर्स के नीचे पेपलीज तो नेक्स्ट है एम्फिडस एम्पेड जो होता है ये पेयर में होता है ओपनिंग ऑन लिटल साइड इन हाइड्रोजन एंड आर कीमो रिसेप्टर्स ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम एक और भी कहते हैं ऑल फैक्ट्री कीमो रिसेप्टर्स जो परसीव करते हैं केमिकल्स तो उसके बाद है फेज मेडस आर यूनिर ग्लैंड लोकेटेड अपॉन लेटरल लिटल ऑफ द पोस्टीरियर एंड एंड आर ग्लैंडुलो सेंसरी इन नेचर तो ये ग्लैंडो सेंसरी नेचर के अंदर होते हैं इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं द नेक्स्ट करेक्टर अबाउट सेक्स आर आर सेपरेटिंग दे सेक्सिस जनरली दे शो सेक्चुअल डायमोफिज ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल देर इज नो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें एपसेक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो यहाँ पे स्पेशिज जो होते हैं ये होते हैं यूनिसेक्चुअल तो इनका यहाँ पे सेक्स जो अलग अलग होते हैं मेल अलग होते हैं फीमेल्स अलग होते हैं और ये दोनों दिखाते हैं सेक्चुअल डेमार्फिज यानी कि डिफरेंस दिखाते हैं तो यहाँ पे हम डिफ्रिशिएट कर सकते हैं मेल को फीमेल से तो मेल जो होते हैं वो स्माल होते हैं इनके पास होते हैं पीनाइल स्पेक्यूल्स होते हैं छोटे कांटे जैसे होते हैं लास्ट के पोर्शन के ऊपर तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो करो टेल जो है यहाँ पर स्पेक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर उसकी वजह से कॉपोलेशन करते हैं मेल्स में सेपरेट गोनोफोर जो होता है वो एब्सेंट होता है तो इनके पास कोलका प्रेजेंट है और फीमेल्स के पास होता है सेपरेट जेनेटल पोड तो यहाँ पे फ़र्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, है और यहाँ पे ऐसा जो रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि इनके पास जो रिजर्वेशन जो है वो बहुत ही पोर होता है द नेक्स्ट करियर इज डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जूरिंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा इज प्रेजेंट फ्लैरी फॉर्म लार्वा इज़ प्रेजेंट इन इन्साइक्लोस्टोमा कॉल्ड उसको कॉमनली बोलते हैं हुकोम माइक्रोफेरिया लारवा इज फॉर्म इन वोचरेरिया फ्लेरव एंड रेबडिटी फॉर्म लारवा इज प्रेजेंट इन एस्कैरिस एंड एंटीरोबस इसको बोलते हैं पिनवम तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा प्रेजेंट होगा तो एक लार्वा है फ्लैरी फॉर्म लार्वा ये प्रेजेंट होता है इन साइक्लोस्टोमा जिसको हम हुकोम कहते हैं या एक और है माइक्रोफ्लेरिया ये पाया जाता है वोचरेरिया बिग फ्लैर वर्म है या एक और भी है यहाँ पर रेबडिटी फॉर्म जो होते हैं ये एस्केरिस और एंडस पिनवम के अंदर पाए जाते हैं तो ये इनके लारवाज हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है सबसे पहले है इनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम हुकवर्म कहते हैं देखो इन्साइक्लोस्टोमा जो होता है ये पैरासाइट होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर ही पाया जाता है और इसको प्रॉपरली बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म तो दूसरा एग्जाम्पल है वो चलेरिया जिसको कॉमनली कहते हैं फलैरिया वर्म और ये होते हैं डाइजेनेटिक मतलब तो इसके बाद दो होस्ट होते हैं एक तो प्राइमरी होस्ट जो ह्यूमन होता है और दूसरा सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो मॉस्किटो ऑफ क्यूलेक्स का होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं लिफेस्ल्स में रहते हैं लिप गलैंड में रहते हैं तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाता है उनका जीवलाइन स्टेज जो होते हैं हो, पास हो जाते हैं ब्लड के अंदर जो ये वोचर एरिया जो होता है इसकी वजह से एक डिसऑर्डर भी हो जाता है ह्यूमन में उसको हम कहते हैं एलिफेंटेसिस जिसकी वजह से जो पाउंड जो होते हैं वो हाथी जैसे बड़े हो जाते हैं स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर नेक्स्ट इज एस्केरिस तो इसका पूरा नाम है एस्रिस लॉमिक्वायरिस जिसको कामनली कहते हैं जैंट इंटस्टाइनल वर्म तो ये कामनली पाया जाता है इंटस्टाइन के अंदर स्मॉल इंडस्टाइन के अंदर ऑफ ह्यूमन बींगस और ये मोनोजेनेटिक होता है तो ये पाया जाता है ज़्यादा जो होता है मोर कॉमन ये बच्चों में होता है द लास्ट एग्ज़ाम्पल हेयर इज़ रेपडाइट्स तो रेपडाइट्स जो होते हैं ये एयर कैनल आप केटल्स के अंदर पाए जाते हैं वहीं पर अपनी ज़िंदगी पूरी ये बिता रहती है वहाँ पर जो एफेक्टेड केटल्स होते हैं मवेशी आप देखते हैं कुछ यूनिक फीचर्स तो सबसे पहले है सेंसाइशी एपिडर्मस इसका ये मतलब होता है कि इनका जो मास ऑफ सोप्लाजम होता है इसके अंदर वो स्केटर्ड या बहुत सारे न्यूक्ट प्रेजेंट होते हैं तो इनका जो मसल लेयर होता है बॉडी वॉल का वो कंसिस्ट करता है लॉन्गिट्यूड मसल फाइबर और तो तीसरा जो है इनके पास फॉल्स सीलूम होता है सीडोसील तो ये ये कुछ यूनिक फीचर्स है तो उसके बाद तो कुछ एडवांसमेंट और फ्लैट वर्म्स क्योंकि इससे पहले मैंने फ्लैट वर्म्स के बारे में पढ़ा था फ्लैट हेलमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो उसके ऊपर इसका क्या एडवांसमेंट है सबसे पहले इसके पास होता है सीडोसील क्योंकि वहाँ पे एस सी लूम था वहाँ पे तो यहाँ पे सीडो सील प्रेजेंट होता है दूसरा इनके पास कंप्लीट डिस्ट्रैक्ट क्योंकि इनके पास जो होता है बॉडी प्लान टू विद इन टू बॉडी प्लान तो इनके हिसाब प्लेट येलमेंट्स के हमने देखा था वहाँ पे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था तो लास्ट वन इज़ यूनिसेक्चुअल तो ये यूनिसेक्चुअल होते हैं और जो प्लेट हेलमेंट्स जो थे वो मॉनोशस थे तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जन करज ऑफ एसकी हेलमेंट्स जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एसकेरस और वो चलेरिया के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये दो इसके एग्जाम्पल जो वेरी इंपॉर्टेंट है इनका डिजीज़ जो होता तो है उसके बारे में हम देखेंगे वहाँ पर